हेलो व्यूअर्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे, हमारे सामने हर्ष और हर्ष की सक्सेस स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। सक्सेस स्टोरी की सीरीज में इनसे कि कैसे इन्होंने अलग अलग एग्जाम्स क्रैक करी, इनकी एग्जाम्स को क्रैक जो इन्होंने किया, क्या क्या स्ट्रैटजीज रही, और ये बहुत ही होनहार स्टूडेंट्स रहे हुए हैं। हर्ष, सबसे पहले मैं आपका इंट्रोडक्शन, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आपका चाहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन दीजिए, और उसके बाद हम आपसे आप बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मैंने अपना 10+2 HL स्कूल से कंप्लीट किया था 2017 में। फिर उसके बाद मेरा ऐसा था कि डिफेंस जाना था, इसलिए मैंने डिफेंस की कोचिंग ज्वाइन की थी। 2017 में ऐसा होता था कि जो नेवी का जब पेपर होता था तो उसकी कट ऑफ 85 से ऊपर जाती थी, और मेरे मार्क्स इतने नहीं थे। तो फिर मैंने देखा कि मैंने NDA दिया, तो NDA एक बार मेरा क्रैक हुआ, लेकिन उसमें मैं SS भी आउट हो गया। फिर मैंने पता चला कि TS होता है, और TS के लिए मैं एलिजिबल था। और TS सिर्फ नेवी में नहीं होता, मतलब एयरफोर्स में तो 10+2 लेवल पे होता ही नहीं है, लेकिन आर्मी में 10+2 लेवल पे होता है। अगर आपके 80 के ऊपर है तो आपके कॉल आते हैं, और अगर आप नेवी में जाएंगे, अगर आपने JEE मेंस का पेपर दिया है, क्योंकि JEE मेंस का पेपर देंगे तो आप एलिजिबल होंगे, नहीं तो एलिजिबिलिटी नहीं है। तो फिर उसके बाद आप सीधे SSB दे सकते हैं। तो मैंने शुरुआत में कई सारे SSB दी, लेकिन रिजल्ट वही था, पास नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा, मतलब वो तो देता ही रहा, फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया एयरफोर्स के लिए। लास्ट ईयर 2017 के एंडिंग में जो आया था उसका, 2017 में ऐसा हुआ था कि साल में दो बार आता था, लेकिन जो जिस अटेम्प्ट में मैंने दिया था वो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, और वो पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था इसलिए उन्होंने एक जो साल में दो बार आता है पहला वाला उन लोगों ने निकाला नहीं था 2017 में। तो 2017 के बाद वाला भी मैंने दिया, जिसमें कि मैंने रिटर्न क्रैक किया, उसमें मेरे कट ऑफ से 12 मार्क्स ज़्यादा थे रिटर्न में। फिर उसके बाद रिटर्न के बाद उसका फिजिकल हुआ था, फिर उसके बाद मेडिकल हुआ था, और मेडिकल में मेरे का आउट हो गया। मेरा रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था कानपुर में, मेरा फिजिकल हुआ था भोपाल में, और मेडिकल आमला में होने वाला था। आपकी जो पहले शुरुआत रही, उस शुरुआत में आप जिनने काफ़ी जगह पर रिटर्न निकाले, लेकिन उसके बाद कभी SSB आउट हुए, कभी आप जो है मेडिकल आउट हुए, देन फिर चेंजेस कैसे आपने दोबारा से फिर से आपने चीज़ों को ना कैसे अटेम्प्ट किया? फिर मेरा मेडिकल पॉइंट ऐसा था जो कि मेरे को लगा सही था, होना नहीं है, तो फिर मैंने, लेकिन मैंने फिर मैंने अलग एग्ज़ाम देना चालू कर दिया। हाँ, फिर मैंने अलग एग्ज़ाम देना चालू कर दिया, लेकिन मेरे का ऐसा था कि अगर दूसरे एग्ज़ाम दे रहे हो और इसके चांस है तो फिर आपकी एज एलिजिबिलिटी थी, आप बैठते रहे, तो फिर मैं बैठता रहा। तो मैंने दूसरे भी एग्ज़ाम दिए थे, जैसे AME IMU और UPSC, तो फिर इन सब में भी मतलब अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद मैं इसका एग्ज़ाम दिया, फिर मैंने 2018 में इसका एग्ज़ाम दिया, और 2018 में भी, ये 2018 में एयरफोर्स का जो निकला था, तो 2018 में ऐसा था कि मैंने बाकी सारे एग्ज़ाम दिए थे, उसका मेरा मतलब अच्छे नंबर भी आए थे, लेकिन इसमें इस टाइप का ऐसा हुआ सर्कमस्टांसेस, बंद क्यों फिर ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ कि उसमें एडमिशन लेना है और या तो ड्रॉप करके एक और साल। तो उसमें ऐसा था कि मेरा 2018 में जुलाई में मेरा मेडिकल था, और जुलाई में मेडिकल था तब तक ज़्यादातर एडमिशन प्रोसेस हो चुके होते हैं, मैं मेडिकल के रुका हुआ था। फिर उसका मैंने मेडिकल जब दिया, उसके बाद मैंने देखा कि मेडिकल में भी मेडिकल लग गई है, और तब तक सारे एडमिशन प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुके थे। तो अच्छा, आपने अभी जो लास्ट एग्ज़ाम निकाला उसमें आपने SSR AA फाइनली सेलेक्ट हो चुके हैं, आपका ट्रेनिंग आ चुका, अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में आ चुका है, और स्टिल अभी आपने एयरफोर्स का मेडिकल आपका DV, राइट? आपने जो नेवी के लिए SSR AA का है उसका आपका जो ज्वाइनिंग डेट है वो कब है आपका चिलका में? चिलिका में 17 अगस्त को ज्वाइनिंग की डेट है। और आपका जो अभी एयरफोर्स का एग्जाम जो आपने क्रैक किया हुआ है उसमें आपका कब, आपका ये मेडिकल कब होना है? एयरफोर्स का मेडिकल मेरा 26 जुलाई को लगा हुआ है। इसका मतलब आप अभी एयरफोर्स का मेडिकल देके अपना जो है नेवी का आप ज्वाइन भी कर सकते हो। हाँ। ओके, अभी बीच में हर्ष ने UPSC का एग्जाम दिया हुआ था, और आपको जान के खुशी होगी कि इनका यूपी में इनकी कुल ओवरऑल 6th पोजीशन आई, और 6th पोजीशन साथ साथ ये कानपुर सिटी टॉपर स्टूडेंट रहे हुए, कानपुर सिटी में टॉप इन्होंने किया हुआ है। तो हर्ष, आपने मल्टी मतलब डायमेंशंस में एग्जाम्स दिए हुए हैं, NRTU के लिए भी आपने अप्लाई किया, और कैरियर के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें तो कोई भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम उसमें आप क्या मानते हो कि सक्सेस के लिए सबसे मेन फैक्टर कौन सा है, क्या चीज़ आपको लगती है कि जिस आपने ऐसा क्या किया जिससे आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठते हैं ना उसके रिटर्न क्रैक होते रहे?
रिटर्न क्रैक करने का अलग अलग मतलब एक ही चीज़ है कि अगर आप रिटर्न दे रहे हो तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट स्टडी होना चाहिए। और मतलब ऐसा भी नहीं कि आप दिन भर पढ़ते रहो, जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, और खेलने बैठो तो पूरा खेलो, मतलब 100% जिस जो भी देना है पूरा दो। राइट, आप जिस भी चीज को चाहते दिल से चाहे फोकस करें पूरा। हाँ ठीक है, और उसके अलावा जो है कोर के ऊपर ध्यान देना, यानी आपको पता होना चाहिए क्या बेसिकली आने वाला है, क्या चीजें आती रहेंगी, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के ट्रेंड पर ध्यान रखना रहे। इसके अलावा मेंटली आपने अपने को कैसे जो है इतना मजबूत रखा, जब बच्चे जनरली एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाते या किसी स्टेज से बाहर होने लगते हैं तो उनका क्या होता है कि वो कई बार जो है ना उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं। हाँ ऐसा होता है, तो आपके साथ भी कुछ इस तरीके की चीज़ें? हाँ, जब 2018 में सारे एडमिशन प्रोसेस सारे कंप्लीट हो चुके थे और मैं एयरफोर्स से भी मेडिकल आउट कर चुका था, तो उसके बाद ये अक्टूबर की बात है जब इसका लिस्ट आ गई थी, ऑल इंडिया सेलेक्टेड लिस्ट। ऑल इंडिया सेलेक्टेड लिस्ट में मेरा नाम था पोजीशन में, जिसमें कि पहले लिस्ट में, लेकिन उसके आगे अनफिट लिखा हुआ था तो फिर मैं जा नहीं सकता था, लेकिन AISL में नाम था। फिर उसके बाद मैंने देखा तो और अजीब सा लगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा था कि जैसे मैंने ये दिया उसके बाद मेरा ALP का एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो मैंने ALP का एग्ज़ाम दिया। उसी समय एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम लगा हुआ था, तो मैंने वो वाला एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, तो वो वाले एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो वो वाला जो 2018 के सेकेंड वाला एयरफोर्स था वो क्रैक नहीं हुआ। लेकिन एयरफोर्स क्रैक नहीं हुआ, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद ALP का लगा हुआ था, तो वो क्रैक नहीं हुआ, तो मैंने लगा अरे तो कुछ नहीं हो पा रहा, फिर मैंने पढ़ना चालू किया। तो फिर उसके बाद एक हफ्ता पढ़ा, तो उसके बाद ALP का फर्स्ट फेज़ मेरा क्लियर हुआ। फिर उसके बाद सेकंड फेज़ मेरा फरवरी में था, सेकंड फेज़ में भी इनफ नंबर आया था जो कि UP का कट ऑफ क्लियर कर सके, और UP का कट ऑफ क्लियर था, लेकिन उसमें मांगता है कि आपके पास ITI होना चाहिए साइकोलॉजी देने तो के लिए। एक रो में आपका फिर एक बार एग्जाम जब निकलने शुरू हुए तो ALP का एग्जाम, SRAA का एग्जाम, AFOS का एग्जाम है ना, UPSC का एग्जाम, सारे एक तरफ लाइन से ना क्रैक होने शुरू हुए, तो सफलता से बहुत ही गदगद है। हर कोई आपका होता है उसको अपना डिजायर जब भी मिल जाते हैं। कोशिश आपकी जो रही वो ये कि अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए जो भी आप जहाँ पर भी अटेम्प्ट ले सकते हो आपने उन अटेम्प्ट्स को लिया, अगर अपॉर्चुनिटीज को आपने कैश किया। राइट, अगर अटेम्प्ट का क्या योगदान है आपकी सफलता में, किस तरीके से आपको गाइडेंस मिला और किस तरीके से आप उसमें जो है सक्सेस हुए? कोचिंग का बहुत बड़ा मतलब रोल रहता है इसमें, क्योंकि आप घर में पढ़ते हो जो आपके पास सिलेबस है, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो कोचिंग पता चलते हैं। और कोचिंग में सबसे बढ़िया बात ये रही थी कि इसमें वीकली टेस्ट होते रहते हैं, एनालिसिस टाइम टू टाइम जो एनालिसिस होता चलता है, आप अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट देखते हैं कि आप जो है एक पर्टिकुलर सिलेक्शन रेंज में है या नहीं। हाँ, अगर आप कोचिंग में टॉप 10 में, जो कोचिंग में टॉप 10 लगातार बोलता हूं, समटाइम्स कई स्टूडेंट्स होते हैं अरे आज फिर एक टेस्ट, हर हफ्ते सर टेस्ट हो रहे हैं एक या दो, बट उन टेस्ट को आज अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए आपको रियल एनवायरनमेंट। तमाम बच्चे तो मैंने देखा कि टेस्ट में भी जो है ना वो चीटिंग करने के चक्कर में रहते हैं, इधर आप चीटिंग कर ले दूसरे से पूछ ले, तो टेस्ट को कितने सीरियसली लेना चाहिए? टेस्ट आपके एनालिसिस है जो आपने आज तक पढ़ा, अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हैं तो आप टेस्ट सही से दीजिए, क्योंकि उससे आप एनालाइज करेंगे कि कितना बचा, उससे आप सबसे बढ़िया ये उससे आप टॉपिक आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपका पूरा क्लियर है जिसके क्वेश्चन आपके हो जा रहे हैं और कौन सा टॉपिक बचा है। अगर आप डेप्थ में पढ़ेंगे तो होगा, बिल्कुल डेप्थ बताने चाहिए आपसे करता हूँ। अगर आपने किन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है और वो चैप्टर्स से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं और अगर वहाँ पर आपने नहीं कर पा रहे हो, इट मीन्स अभी भी आपकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है। अनदर थिंग, इसके अलावा आपको कैसे मतलब इंटरेस्ट बुक्स वगैरह के साथ मतलब पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आप ऑनलाइन स्टडीज के ऊपर ध्यान देते हो, किस तरीके से आपको पढ़ना? मैं फ्रीलांसर टाइप है, उसमें ऐसा होता है कि मेरे पास सिलेबस लगा रहता और मैं ऐसा रहता कि ये सिलेबस आज ख़त्म करना, तो वो सिलेबस अगर मेरे को नहीं आता एकदम नहीं आता तो या कोचिंग के नोट्स पे जाता हूँ, फिर उसके बाद अगर तब भी थोड़ा नहीं समझ में आया तो ऑनलाइन देखते हैं वो सिलेबस का, अगर बेसिक समय आ गई फिर उसके बाद मेरे पास 2-3 बुक रहती है, सब में से वो वाले टॉपिक ख़त्म करने होते हैं। अगर मतलब वो टॉपिक एक दिन लगे 2 दिन लगे लेकिन टॉपिक ख़त्म करके ही आगे बढ़ना है। फ्यूचर टॉपिक आप खुद चूज करने को, अभी आप ज्वाइन करोगे नेवी, इंडियन नेवी, यू विल बी अ प्राउड पर्सन, आगे की फ्यूचर प्लान्स क्या? और फ्यूचर प्लान्स ये रहेंगे कि अंदर से थोड़ा ऑफिसर के लिए अगर कमीशन के लिए ट्राई करते रहना है, और फिर उसके बाद 15 ईयर्स की होती है इसकी सर्विस, 15 साल बाद फिर कोचिंग आ करें। अपने जूनियर्स और अपने साथियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे शॉर्ट में? करते रहो।
तैयारी करते रहो, लगे लगे मतलब लगे रहो, सीरियस लगे रहो, मतलब ऐसा नहीं कि हो जाएगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो गया। पहले एयरफोर्स का ऐसा था कि यहाँ पे जब एग्जाम होते थे तो वहाँ पे मतलब बहुत लोगों को बुला लिया जाता था, फिर कुछ ही लोगों का टेस्ट लिया जाता, बाकी लोगों का कट ऑफ बढ़ाकर निकाल दिया जाता था, तो तब जो सिलेक्शन होते थे बहुत कम क्राइटेरिया के लोगों के लिए होते थे। अब क्या, अब ऑनलाइन कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया, अब क्या होता है कि 60% वाला भी एग्ज़ाम देने आता है, और वो भी तैयारी करके आता है, तो उनका भी सिलेक्शन होता है। तो उनका ऐसा हो गया कि पहले आप कुछ लोगों के बीच में सिलेक्शन लेते थे, अब हो गया 5 लाख बच्चे बैठते हैं, 5 से 8 लाख बच्चे बैठते हैं। ये हमको वहीं पे एयरफोर्स में जब फेस टू दे रहे तब बताया था। SRT और GD आप दे रहे हो, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि बच्चे आज के टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे लगातार निकल रहे हैं, दे आर सीकिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, और ऐसे में आपका बहुत ढेर सारे बच्चे, इवन अगर उनके मार्क्स भी कम है तब भी उनको आपका अपॉर्चुनिटीज मिल रही है आज के टाइम, अच्छी बात देने की, दैट इज़ अ गुड साइन। इससे उनको एक पर्सनालिटी जॉब फिट और साथ में उनको एक एलिजिबल कैंडिडेट आपका मिलता है हमारे आर्म फोर्सेस को, जो कि जरूरी होता है। तो मैं भी आप बेसिकली बच्चों से ये ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि एक किसी बच्चे को अपना जिस जोश के साथ, जिस एंथुसियाज्म लेवल के साथ स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, वो एंथुसियाज्म लेवल को अंटिल एनलिस अगर आप 2-3 साल तक मेंटेन कर लेते हो, उसी तैयारी जिस दिन आप आते हो तैयारी करना शुरू करते हो, उसी जोश के साथ अगर आप 3 साल तक लगे रहते हो, 2-3 साल, तो निश्चित तौर पर सफलता आपको हाथ लगेगी। लेकिन तमाम बच्चे बीच में ही आपका 5 महीने में छूट गया, या पढ़ाई का एक उनका कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं होता, आपका क्या पढ़ाई का पैटर्न जरूरी होता है, कितने घंटे आपने डेली पढ़ाई करी, ऐसा नहीं होता। घंटे देख के अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, या इधर आपके पेरेंट्स को या तो किसी को भी, कि आप दिखा रहे हैं पढ़ रहे हैं, आप घंटे देख के ना पढ़िए, आप टॉपिक देख के पढ़िए, आपको टॉपिक आगे जल्दी हो जा रहा है, खत्म करिए, टाइम लग रहा है तो खत्म करिए, मतलब आई मीन बुक्स खत्म करिए, बुक्स वगैरह को लेके क्या आप एंजॉय करते रहे, मूवीज अच्छी है ठीक है, इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, गेम्स वगैरह एंजॉय कर रहे हैं, हाँ गेम्स अच्छे हैं, गेम्स एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल गेम्स ओके। हिस्टोरिकल के हिस्टोरिका तो मैं चाहूँगा आपका क्या योगदान रहा आपकी सफलता में, हिस्टोरिका का मतलब पूरे टॉपिक से ही पढ़े हमने पूरे टॉपिक से ही पढ़े, फिर उसके बाद सारे टेस्ट यही हुए हैं, पूरा कॉन्फिडेंस यहीं से मिला है, योगदान तो है चलो हर्ष बहुत अच्छा है, आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप निश्चित तौर पर सफलता की जो ऊंचाइयाँ हैं उनको छुएं, आपका कैरियर शुरू हुआ है और ये कैरियर आगे लगातार बढ़ता रहना चाहिए, आप जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आप जितने भी आपकी हाईएस्ट वो पीक हो सकती है सफलता की, आप वहाँ तक पहुँचे, मेरा ऐसा आशीर्वाद है। और मैं चाहूँगा कि आप धीरे 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 करते हुए आप जिस डिज़ायर को, जिस सपने को आपने पाला हुआ है वहाँ तक पहुँचें। बहुत ही आपकी स्टोरी और आपके बारे में जो मेरे को मतलब सारी चीज़ें जानकारी में थी उनसे मेरे को यही प्रेरणा मिली कि अगर बच्चा कोई कॉन्टिन्यूस तैयारी करता है तो वो निश्चित तौर पर सफल होगा, भले आपका असफलता 2-3 बार 4 बार आपके हाथ लगे, लेकिन अंत में अगर आपने ईमानदारी के साथ पढ़ाई करी हुई तो आपको निश्चित तौर पर ही सफल होना है, ठीक है। सो थैंक यू हर्ष, थैंक यू ऑडियंस। और ठीक है।